पर आना चाहेंगे बड़ा पेच इस भर्ती में भी फंस गया है अब आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से चेतावनी यह दे दी गई है कि ये 18 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन करने वाली हैं और प्रदर्शन इसलिए कर रही हैं क्योंकि एन भर्ती में 30 फीसदी कोटा ही इन्हें दिया गया है जबकि 30 नहीं इन्हें 70 फीसदी कोटा दिया जाना चाहिए क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये आंगनबाड़ी केंद्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं और अब इनके स्थान पर एन डिप्लोमा होल्डर्स को रखा जा रहा है इसी बात से नाराज होकर इस बात से नाखुश होकर ये एक तरह से प्रदर्शन करने वाली है लेकिन यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि आउटसोर्स माध्यम से ये भर्ती हो रही है इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे और यही कॉरपोरेशन मैन

एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स के पास डिप्लोमा भले ही है लेकिन दो साल का फिर नहीं है और एनसीटी की गाइडलाइंस में यह स्पष्ट किया गया है कि दो साल का डिप्लोमा जरूरी होगा अब फिलहाल क्या कुछ होता है यह देखना होगा इस पूरे मैटर पर ही अठारह जुलाई को क्योंकि भारी प्रदर्शन की चेतावनी इन महिलाओं ने दे दी है कैबिनेट बैठक देखिए 12 जुलाई को होने वाली है मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखविंदर सिंह सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी एजेंडा जिसमें क्या क्या रहेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा प्रस्ताव आने वाले हैं सबसे पहले हम स्पेशल एजुकेटर्स की बात कर लेते हैं इन्हें लेकर भी बिल्कुल चर्चा हो सकती है ये दो के करीब पद भरे जाने हैं और ये पहली बार मामला भेजा जा रहा है विभाग की ओर से कैबिनेट में दूसरी बात जो एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत शिक्षक लाए गए थे उन्हें रेगुलर करने पर भी चर्चा इसमें बिल्कुल हो सकती है डीपीई को फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर का दर्जा दिया जा सके ये पदनाम देने पर भी यहाँ फैसला हो सकता है प्रस्ताव भेजा गया है विभाग की ओर से कैबिनेट को इसमें दरअसल भर्ती नियमों में क्योंकि बदलाव किया जाना है तो ये भी कैबिनेट में मामला रखा जाएगा पटवारियों को अब स्टेट कैडर में डाला जाएगा ये काफ़ी लंबे समय से मामला लटका हुआ है लेकिन इस बार ये भी प्रस्ताव तैयार होकर भेज दिया गया है संबंधित विभाग की ओर से जेबीटी और टीजीटी -टी बैच वाइज भर्तियों का मामला भी जाएगा जेबीटी टीजीटी और एक पुलिस भर्ती है इन तीनों भर्तियों में ही भर्ती नियमों में अभी संशोधन होना है तो ये जो रूल्स में बदलाव होने जा रहा है इस पर चर्चा होगी और एक तरह से मोहर लगेगी कि कितना Uh, कितने पॉइंट्स में ये बदलाव होना है यानी कि कौन कौन सी शर्तें इन भर्ती नियमों में अब बदली जाएंगी फिलहाल ड्राफ्ट इसके लिए तैयार हो गया है मंजूरी कैबिनेट बैठक में मिलने जा रही है पोस्ट कोड नौ सौ तीन और नौ सौ उनतालीस वाला मामला भी बिल्कुल जा रहा है देखिए पिछली बार ही यह मामला जाना था क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी ने दोनों पोस्ट कोड्स को क्लियरेंस दे दी थी रिजल्ट घोषित करने पर लेकिन ये इसलिए नहीं गया क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन नहीं हो पाए थे अब कार्मिक विभाग की ओर से ये दस्तावेज साइन करवा लिए गए हैं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से अब ये मामला भी बिल्कुल कैबिनेट में जा रहा है नौ सौ तीन और नौ सौ उनतालीस को जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो अगली प्रक्रिया इसमें शुरू हो पाएगी रिजल्ट घोषित करने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से एक रोपवे का मामला भी जा सकता है संभावना बनी हुई है ये बहुप्रतीक्षित आदि हिमानी चामुड़ा रोपवे को लेकर कुछ विवाद चल रहा था एक निजी कंपनी के साथ करार चल रहा था जो बीच में रुक गया है इस करार को आगे बढ़ाया जा सके इसके लिए मंजूरी संबंधित विभाग मांगने वाला है गग्गल एयरपोर्ट से जुड़ा मसला भी जाने वाला है और भू अधिग्रहण अधिनियम के तहत धारा पंद्रह दो की नोटिफिकेशन नहीं हो पाई थी जिसमें रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्लान पर आगे काम किया जाएगा तो इस पर भी चर्चा बिल्कुल संभावित है पूरी तरह से हमने आपको आठ से नौ एजेंडा बता दिए हैं शिक्षा विभाग के सबसे ज्यादा इश्यूज हैं जिसमें टीजीटी जेबीटी भर्ती बैच वाइज भर्ती का मसला भी जाएगा इसमें भर्ती नियमों में क्योंकि बदलाव होना है पुलिस भर्ती का मामला भी देखिए जाने वाला है और इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर्स जो शिक्षा विभाग में रखे गए थे दो के करीब क्योंकि पद भरे जाने हैं ये फैसला दरअसल पहले हुआ था कि पद भरे जाएंगे लेकिन अभी तक